दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में दो न्यूज ऐसी थी जिन्होंने सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो नहीं कहते कि अंदर से थोड़ा झंझोर दिया कि क्या इंसान की एक साइड में तो जो जिंदगी है वो इतनी सस्ती हो गई और दूसरी साइड में जो डेड बॉडी है वो इतनी महंगी हो गई है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाला हूँ। आज ही के न्यूज़पेपर की ये दो न्यूज है। पहले करते हैं इस वाली न्यूज की बात। ये साइड में जो न्यूज है इसमें ये बताया गया कि एक इंसान की डेथ हो गई ओनली 100 रुपए के ऊपर। 100 रुपए के ऊपर, ये वही 100 रुपए हैं जो कई बार आप लोग किसी अगर ठीक से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक प्रॉपर वे में आप लोग एक पिज्जा भी नहीं खा पाएंगे। इस 100 रुपए के ऊपर एक इंसान की जान चली गई। कंडीशन क्या बनी और ये केस कहां कर है? किसी दूर दराज वाले एरिया का नहीं है कि किसी गांव के किसी कोने में जाकर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। नहीं, ये केस आप लोगों को देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर। अभी हुआ क्या है, यहां पर एक कपल था, उनके द्वारा एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को 100 रुपए दिए गए। तो जो 100 रुपए दिए गए उस पर्सन को, तो उससे मांगने गए, उस पर्सन ने 100 रुपए देने से मना कर दिया, जो भी उनके बीच में रस्साकसी हुई। तो फिर क्या किया, जिसने पैसे ले रखे थे उसने दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा दिया जिससे पैसे ले रखे थे, यानी कि पैसे भी ले रखे थे और उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया। सामने वाले गुस्सा है कि एक तो पैसा ले रखा है और ऊपर से हाथ भी उठा रहा है। तो घर पे गया, कैंची वैची कुछ चाकू वाकू लेकर आया, उसकी वाइफ भी आई साथ में कि हाँ मैं भी चलती हूँ। तो दोनों के द्वारा पकड़ा गया और पकड़ के यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को मारने स्टार्ट किया। तो ये जो पर्सन है, इसको जब हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया तो पता चला कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो देखिए, कई बार इंसान ना जरा जरा सी चीजों पर आवेश में आकर ऐसा अपना होश खो बैठता है कि उस टाइम पर उसको ये समझ में नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है। ये वो क्रिटिकल टाइम होता है कि जब इंसान अगर अपने आप को न थामे तो कुछ ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं जिनको फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। सोचिए, 100 रुपए के ऊपर एक इंसान की जान चलेगी, वो भी हमारी कंट्री की राजधानी यानी कि कैपिटल के अंदर। तो ये कितनी दयनीय कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, और वो भी आज के डेट में जब COVID-19 की सिचुएशन पूरे देश में है, पहली बात। अब दूसरी जो न्यूज है यहां पर, ये न्यूज यहां पर ये कि मैक्स हॉस्पिटल यहां पर, ये भी दिल्ली की न्यूज है, 22 लाख रुपए मांग रहा है यहां पर एक पर्टिकुलर कोविड पेशेंट से। अगर ये 22 लाख रुपए पे करेंगे तब जाकर बॉडी मिलेगी जिस इंसान का इलाज कराया जा रहा था, यानी कि इस बॉडी की कीमत यहां पर 22 लाख हो गई है और यहां पर जिंदे इंसान की कीमत जो है वो 100 रुपए से भी कम हो गई है। यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को एडमिट कराया गया आईसीयू के, पहले नॉर्मल फिर आईसीयू के अंदर, पर फिर इसकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पर अब यहां पर जो पूरा जो खर्चा निकल कर आया वो 22 लाख रुपए है। एक मिडिल क्लास फैमिली में 22 लाख रुपए एक सपना होता है। अगर जिंदगी में इंसान कमाने बैठे ना तो 22 लाख रुपए कई बार अपनी पूरी जिंदगी में कमा भी नहीं पाता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात की जाए, उस मिडिल क्लास फैमिली से 22 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं अगर बॉडी चाहिए तो आप लोग सिचुएशन समझ सकते हैं कि दोनों के साथ में अगर आप लोग न्यूज को कंपेयर करोगे तो आप लोग खुद समझ पाओगे कि किस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है आज की डेट में और कैसा माइंडसेट लोगों का होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर्टिकुलर एरिया में तो एजुकेशन काफी बड़ा रोल प्ले करती है, नैतिक शिक्षा, और इंसान को कम से कम गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए भी स्कूल में चीजें पढ़ाई जानी चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, जो हेल्थ है यहां पर उसको कम से कम इस लेवल पर तो यार हम लोग को लाना पड़ेगा कि इंसान जो है हेल्थ को एक तरीके से ऐसे ना लेकर चलेगी घर में कोई बीमार हो गया तो बस कहानी खत्म हो गई, अब तो ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी हम लोगों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये काफी एक इरिटेटिंग न्यूज लगी मुझे। आइए अब आगे डिस्कशन करेंगे, काफी शानदार एक डिस्कशन आज का ये रहने वाला है। डिस्कशन में कुछ आप लोगों का डिफरेंस नजर आएगा। मैंने क्या कोशिश की है कि एक पर्टिकुलर टाइप की जो न्यूज थी उनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया और जो अलग अलग न्यूज थी उनको मतलब कुछ तरीके से कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। बाकी की जैसे मान लीजिए COVID-19 के बारे में न्यूज है तो सारी COVID-19 की जो न्यूज है मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी है, ठीक है, ताकि अलग अलग देखने को नहीं मिले। एक्सपीरियंस देखिए कैसा रहेगा आज का, अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सही नहीं लग रहा है और उसको चेंज करना है तो फिर उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चीजें लेकर चलेंगे, अगर आप लोगों को लगेगा तो चेंज कर लेंगे, ओके। सबसे पहले तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो COVID-19 का जो पीक है वो यहां पर अभी पहुंच रहा है, अब यहां से चीजें जो है वो डाउन होनी स्टार्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं कि इस लेवल पर आकर अब चीजें जो है वो डाउन जानी स्टार्ट हो रही है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि टेस्टिंग नहीं बढ़ाई गई है, यानी कि टेस्टिंग उतनी की उतनी चल रही है, अब केसेस थोड़े डाउन होने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा भी नहीं कि टेस्टिंग हटा दी गई है, ऐसा होता नहीं कि टेस्ट बढ़ने स्टार्ट हो गए तो केस आने स्टार्ट हो गए, वो नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी है यहां पर जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन।
सौम्या स्वामीनाथन जी जो है यहाँ पर ये चीफ साइंटिस्ट है यहाँ पर, अगर बात की जाए इनके बारे में, ठीक है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पर चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इनके द्वारा ये बोला गया है कि अभी फिलहाल हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लगभग 6 से लेकर 18 महीने काफी ज्यादा क्रिटिकल है, 6 से लेकर 18 महीने, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक की बात इनके द्वारा बोली गई है कि ये काफी ज्यादा क्रूशियल है, अगर इनमें चीजों को नहीं संभाला गया तो काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में इनका ये इंटरव्यू है यहाँ पर, इसमें भी इनके द्वारा कुछ बातें बोली गई है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये बोलेगी कि हमारी कंट्री में जो अभी ये वेरियंट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से काफी सारे केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, तो ये जो वेरिएंट है ये ट्रांसमिट जो हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, यानी कैसे नहीं होता कि पहले जो कोरोना वायरस था उसका जो ये नया अपडेटेड वर्जन है इसका प्रोसेसर काफी हाई है, ये तुरंत एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है, तो वो वाली चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर आज की डेट में हम लोगों को चीजों को कंट्रोल करना है, जो रेट यहां पर चल रहा है वो ढंग से अगर हम लोग कंट्रोल करना है तो कम से कम जो हर एक लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना पड़ेगा, जनता को अपना काम करना पड़ेगा, जो डॉक्टर है उनको अपना काम करना पड़ेगा, और सही चीजों को सही टाइम पर कंट्रोल करने के लिए सबको सिंक्रोनस वे में काम करना पड़ेगा। सिंक्रोनस वे का मतलब क्या है, अगर एक गाड़ी है उस गाड़ी के चार पहिया है, अगर चारों पहिया अलग अलग डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए तो ये गाड़ी जो है कहीं नहीं पहुंचेगी, पर लेकिन चार पहिया एक साथ में चलेंगे तभी इस गाड़ी को आप लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाएंगे। तो वही बातें यहां पर बोली जा रही है कि अगर आप लोग ढंग से मिलकर काम करेंगे तब जाकर हम लोग इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर से याद रखिएगा, कंट्रोल कर पाएंगे का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे। कोरोना वायरस हमारे साथ में ता उम्र रहने वाला है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर इस धरती पर आई है तो रेयरली कोई एक अद्धि कोई इक्का दुक्का कोई बीमारी होगी जो कंप्लीटली खत्म हम लोग कर पाए, पर लेकिन आज तक कोई बीमारी ढंग से ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब बड़ी ही जल्दी उसको निपटा पाए। एक आधी बीमारी अगर बोले खत्म हुई वो भी 200 साल के करीब, 100 साल के, 150 साल में। अब ये साथ में रहने वाली है, अब कितना ज्यादा हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीजों से और कितना ज्यादा हम लोग ध्यान रख सकते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बीमारी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर की जा रही है, हर एक राज्य के अंदर आराम आराम से काम किया जा रहा है ताकि जनता के ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े। अभी यहां पर लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है, कहां पर, दिल्ली के अंदर अनाउंस कर दिया गया। नेक्स्ट यहां पर हरियाणा के अंदर भी 24 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया और पंजाब के अंदर भी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये जो 17 तक था अब फिर इसको 24 तक बढ़ा दिया गया, तो आराम आराम से स्टेप उठाए जा रहे हैं, पहले तरीके से गलती नहीं की जा रही है। जैसे पहले नहीं था कि एकदम उठाया बस बिल्कुल पटक दिया कि कोई यहां से हिलेगा भी नहीं, अगर कोई वॉशरूम में बैठा है कोई फ्रेश हो रहा है तो वो वहीं बैठ जाए बस लॉकडाउन हो गया, वो वाली कंडीशन थी। तो उससे थोड़ा सा हटकर अब यहां पर चीजें निकल रही हैं, तो ये यहां पर थोड़ा सा एक नॉर्मल अच्छा बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि चीजों को आराम आराम से हफरा थफरी नहीं देखने को मिल रही है। पता चला भगदड़ में ही लोग मर गए तो वो वाली क्या कंडीशन, बीमारी से नहीं मर रहे भगदड़ से मर गए लोग, तो वो वाली चीजें थोड़ी सी एक सही हो रही है प्रेजेंट टाइम पर, जो कि एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट यहां पर जो स्पुतनिक 5 जो दवाई है यहां पर अब हमारी कंट्री में उसका सेकंड कंसाइनमेंट जो है वो आ रहा है, ये दवाई अब हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों तक पहुंचाएगी। फर्स्ट कंसाइनमेंट जो था उसमें लगभग 1.5 लाख के करीब डोज थे, ठीक है, तो अभी यहां पर जो नेक्स्ट कंसाइनमेंट और आ रहा है तो देखते हैं किस तरीके से लोगों तक, जनता को दवाई पहुंचाई जाती है जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही थी। कोविन एक ऐप है जहां पर जाकर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और अपना जो वैक्सीन का जो डोज है वो आप लोग ले सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर अगर बात करें तो आप लोग यहां पर बुक कर लीजिए नंबर जब भी आएगा, पर लेकिन उससे पहले आप लोग बुक कर लीजिए। फर्स्ट डोज होने के बाद में सेकेंड डोज जो है वो 12 से लेकर 16 हफ्ते के बाद में लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है बेसिक पर्पज की, ताकि जो उसकी जो चीजें उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, एक गैप यहां पर दिया जा रहा है। ये यहां पर गैप की जो बात की गई थी वो ये थी इसलिए क्योंकि कई सारे हो सकता है कि देखिए नई नई दवाई है तो साइंटिफिक तरीके से इसको चेक करने की कोशिश की जा रही है, पर कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि दवाई खत्म हो गई है इसलिए चीजें चल रही है, तो उसको भी यहां पर बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि दवाई खत्म हो गई है, बेसिक ये है कि हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इसी के साथ में अभी यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये टोटल एक इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायत पोल हुए थे, पंचायत जो पोल होते हैं आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ये जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो पंचायती राज सिस्टम आया 1992 में, तो ये पंचायती राज सिस्टम जब इंप्लीमेंट किया गया तो इसका मतलब था कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर लेकर आना है, तो ये जो डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर आ रहा है तो लोकल एरिया पर पंचायती इलेक्शन होते हैं तो यहां पर प्रधान चुनकर आते हैं, तो उसके चक्कर में जो सारा काम यहां पर जो बेसिकली एक तरीके से चीजों को काउंट करना वो सारा काम टीचर के थ्रू किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वोट जो डाली जाते हैं गांव में नॉर्मली स्कूल के अंदर डाली जाती है, ये चीज आप लोगों ने फील की होगी, ठीक है, तो सारा काम टीचर के कंधों पर आ जाता है। तो लगभग यहां पर 1621 टीचर
का जो स्टाफ है या फिर टीचर है, जो स्टाफ है यहाँ पर जो ये सारी चीजें कंडक्ट करा रहा था, उसकी जान चली गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके के इलेक्शन अभी यहाँ पर देखने को मिले, जो कि काफी ज्यादा दयनीय थे। एक यहाँ पर कांग्रेस के लीडर है जिनका नाम है राजीव सातव, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई कोविड-19 के चलते। कई सारी ऐसी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कोविड-19 के चलते अभी यहाँ पर चपेट में आ रही है। तो इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह कि किस तरीके से हम लोग चीजों को नॉर्मल कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी होगा अगर सिचुएशन हम लोग नॉर्मल नहीं करेंगे। तो देखिए, ये किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है, ये अमीर है या फिर ये गरीब है, तो ये सोचने वाली थोड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये यहां पर बात की जा रही है कि वायरस अब तक तो नॉर्मल तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा था, पर लेकिन अभी ये नॉर्मल जनता से हटकर अब ट्राइबल कम्युनिटी में भी आप लोगों को ये वायरस देखने को मिल रहा है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी वल्नरेबल जो ट्राइबल है काफी ज्यादा है, जिसको PVTZ बोलते हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा अभी थोड़ा सा, ताकि आप लोग समझ पाएंगे। यानी कि एक तो होता है नॉर्मल तरीके से एक इंसान जो कि वल्नरेबल है, एक है यहां पर जो उसके वल्नरेबल के अंदर भी वल्नरेबल है उसकी बात की जा रही है यहां पर। यानी कि एक ऐसा इंसान है जो कि गरीब है, जिसको रोटी कपड़ा और मकान जिसके पास में है, बाकी कोई फैसिलिटी इसके अलावा नहीं है। एक वह जिसके पास में रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है, तो वो हो गया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। तो अभी यहां पर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी में भी यहां पर ये चीजें पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ये बातें यहां पर अभी बोली गई है। और ये कहां की बात की जा रही है, ये उड़ीसा की, जो उड़ीसा में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है यहां पर डोंगरिया। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों से देखिए, अगर आप लोग पर्टिकुलर राज्य के अंदर आते हैं और आप लोग कोई ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज में है किसी रीजन की वजह से, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डोंगरिया जो कौन जो कम्युनिटी है यहाँ पर रिसेंटली अभी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में आती है, तो उसको ये प्रॉब्लम अभी यहाँ पर फेस करनी पड़ी। पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो दर्जा यहाँ पर देना स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्टिंग से नहीं मिला। यहाँ पर आगे चलकर एक कमीशन आया जिसका नाम था यहाँ पर देबार कमीशन, DHEBR। तो देबार जो कमीशन आया यहाँ पर ये 1960s में, इसके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यार देखो, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी और ज्यादा एक तरीके से गरीब ट्राइबल कम्युनिटी है। बस ये समझिए कि ये शिकार करने पर जंगल से जो भी सामान मिलता है, जैसे पेड़ पौधों से खाने पीने के फल फ्रूट्स वगैरह, उनके ऊपर ये रहते हैं। लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना लिखना बिल्कुल जरा सा भी नहीं जानते। इनको नहीं पता हमारे देश में संविधान है भी है क्या नहीं है, देश आजाद हो गया, देश आज भी उसी कंडीशन में, कुछ इनको पता नहीं है। तो ये वो वाली कम्युनिटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में फिलहाल ये बीमारी पहुंच रही है, इनको क्या पता कि हम लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और ये बात की जा रही है यहाँ पर बोंदा हिल के बारे में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उड़ीसा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर आप लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेना चाहिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। नंबर ऑफ केसेस हैं, एक अच्छी बात यहाँ पर यह कि 3 लाख से नीचे अब केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहले 4 लाख भी एक बार को टच किया, पर लेकिन नंबर ऑफ जो डेथ है यहाँ पर ये थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। नॉर्मली 3700 के करीब देखने को मिल रही थी, तो 200-250 के करीब ज्यादा डेथ हो रही है यहाँ पर। तो कल जो डेथ यहाँ पर 3901 लोग हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे ज्यादा जो कंडीशन बुरी कंडीशन देखने को मिली महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक में, ये थे नंबर ऑफ केसेस। डेथ के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, कर्नाटक दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर। तो ये थे नंबर ऑफ डेथ के मामले में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आइए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो कमीशन बताया ना यहाँ पर देबार कमीशन, तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ओके। तो यहां पर इसको 2006 में अगर बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा रीनेम भी किया गया। पहले इसको प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप बोलते थे, फिर 2006 में इसका नाम भी चेंज करके यहां पर इसको प्रीमेटिव एंड जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में डाल दिया गया और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलने लगे, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ और न्यूज है आप लोगों के सामने। ये यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के अंदर यहां पर अभी क्लैश हो गया, जो बेसिकली फार्मर के जो एयर पुलिस के बीच में जो झड़प चल रही है, जो प्रोटेस्ट को लेकर कई सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा ग्रेव है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर है, यहां पर ये FCRA के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हमारी कंट्री में एक एक्ट लाया गया था जो कि FCRA बोलते हैं। ये एक्ट का क्या काम करता है, अगर कोई आप लोगों से नॉर्मल भाषा में पूछे, अगर आप लोगों ने कोई एनजीओ बना ली, ठीक है, कि लोगों की हेल्प करनी है, उसको एजुकेशन आप लोगों को देनी है, उस एनजीओ को बाहर से पैसा लेना है, ठीक है, वो जो बाहर से पैसा इस एनजीओ को लेना है, ये बाहर से पैसा इस एनजीओ को मिलेगा किसके थ्रू, यहां पर गवर्नमेंट चेक करेगी उसके थ्रू यहां पर पैसा आएगा। यानी खुद से आप लोग ये पैसा वैसे नहीं रख सकते,
तो यहां पर इसमें अभी कुछ चेंज किए गए हैं। इसमें अमेंडमेंट बिल लाया गया था जिसमें कई सारी ऐसी एनजीओ थी जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। पहले तो ये जो एक्ट था ये 2010 में आया था, अभी जो बिल लेकर आए गए यहां पर ये 2020 का बिल है जिसमें कई सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिले। तो प्रोहिबिट कर दिया गया, इनके रोक दिया गया है जो बाहर से जो कई सारी जो ऐसी एनजीओ है जो पैसा लेती थी, इसके चलते काफी ज्यादा ये न्यूज में आया था और आप लोगों को याद होगा इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई थी ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। यहां तक भी बोला गया कि सारे अकाउंट जो होने चाहिए वह एसबीआई ब्रांच के अंदर ही होना चाहिए, खासकर दिल्ली के अंदर, ताकि उसका प्रॉपर एक एनालिसिस किया जा सके कौन सी कंट्री से कितना पैसा यहां पर आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, एफसीआरए जो है यहां पर ये जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, यानी कि नाम भी देखिए आप लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको रेगुलेट करने का एक्ट है, यानी कि देखने का उसको चेक करने का एक्ट है। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहां पर ये काम करती है जो कि अमित शाह जी के अंडर में यहां पर आती है, तो ये यहां पर इसको बेसिकली चेक करती है। ठीक है, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। और अभी ये न्यूज में किस लिए, अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि ये जो बहुत सारी एनजीओ है जो कंट्री में काम कर रही थी उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सारे स्टेप उठाए गए हैं यहां पर, उसके चलते हम लोग जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे और बहुत सारी बीमारी तो इसलिए यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड में महाभारत जो चल रहा है यहां पर फलस्तीन और इसराइल के बीच में, तो इसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन ऐसी है। आप लोग ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है यार इनकी क्या गलती है इसमें, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से बम्बार्डमेंट होती है और वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको अभी ये भी नहीं पता है कि कौन कंट्री इसराइल है कौन फलस्तीन है, उनको बस ये है कि सुबह उठते हैं खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं और यहां पर ऐसी बम्बार्डमेंट देखने को मिलती है, तो ऐसे माहौल में जो बच्चा पैदा होगा उसकी कंडीशन क्या बनेगी। तो ये सारी चीजों से ऊपर उठकर हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए और तभी जाकर सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बनेगी। अभी यहां पर आज का कार्टून भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर ये कार्टून में क्या बातें बताएगी कि यूएन एक तरीके से जिसको आप लोग यूनाइटेड नेशन बोलते हैं उसमें चिटचैट चल रही है। यार घर का मुखिया होता है ना, वो ये करता है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तुरंत उसका सोल्यूशन निकाले, यानी कि यहां पर 100 से भी ज्यादा क्या ज्यादा ही लोग मारे गए होंगे, इतने लोगों की जान चली गई और ये बैठ के बस अभी डिस्कस कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि यूएन की कोई सुनता ही नहीं है। यूएन एक ऐसा इंसान है जिसकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं है, यानी कि सब जो मनमानी है वो चलाते हैं, ये हमेशा जोर उस पर चलाते हैं जो कि कमजोर कंट्री है, वहां तो दिखाएगा ये कर देना वो कर देना, नहीं किया तो ये हो जाएगा, ठीक है सैंक्शन लगा देंगे, पर लेकिन जो ताकतवर कंट्री है जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है वो कुछ भी करता रहे यूएन कुछ नहीं करता है और कभी भी लड़ाई छुड़ाने का काम नहीं करता है, लड़ाई को खींचता रहता है। इस पे ऐसे ऐसे केस पड़े हुए हैं, आप लोग देखिए हमारी कंट्री का जो जेएनके का केस है वो भी यहां पर पहुंचा था, वो भी अब तक ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, आज तक सोल्व नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अलग अलग कंट्री में, जैसे अगर बात कर लीजिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में झड़प चल रही है इतने दिनों से, कुछ किया सॉल्यूशन निकाला। अफगानिस्तान का मुद्दा यूएन का सॉल्यूशन होना चाहिए था, यूएन ने कुछ नहीं किया, पहले यूएसएसआर था वहां पर, यूएसएसआर गया तो यूएसए आकर बैठ गया, अब यूएसए भी जा रहा है तो अब भी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन जिसको एक तरीके से वो आप लोग बोल सकते हैं कि बिना दांत वाला टाइगर, बस होने कहते हूं करने वाला बस होने कहते, वो ये मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वो संजय दत्त वाली मूवी थी कि तू टाइगर है हाँ रो कर, तो वही वाली चीजें यहां पर थी, बस ये बैठा बैठा हूं करता रहता है कोने में, बाकी कंट्री में कुछ भी होता रहे इसका इसका वास्तविक कोई संबंध नहीं है और अगर हो भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो आप लोग इस पिक्चर को देखकर क्या समझते हैं, इसके बारे में 40 से 50 शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर कोई आज ही नया नया बच्चा ज्वाइन किया है उसको ये समझ में नहीं आ रहा आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने कि स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा चैनल पर जाकर, टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोग जाएंगे तो मैंने पिन भी कर रखा है उसके ऊपर ही ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो अभी सिचुएशन जो है वो काफी दयनीय यहां पर देखने को मिल रही है, अभी जो फाइटिंग है यहां पर ये वाला एरिया, ठीक है आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये गाजा स्ट्रिप के अंदर ये सारी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, तो कैसे इसको नॉर्मल किया जाएगा ये देखने वाली बात है। तो ये है यहां पर फलस्तीन और यहां पर इसराइल वाला एरिया, ये हो गया जेरूसलम में ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही है। जेरूसलम एक ऐसा एरिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर तीन धर्म के लिए, एक तो है क्रिश्चियन के लिए और दूसरा है ज्यूस के लिए यहूदी और तीसरा है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो तीनों के लिए यहां पर ये काफी रिलीजियस इंपॉर्टेंट पोजिशन है। आप लोग यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं हमारी कंट्री में अयोध्या वाला जो डिस्प्यूट था इतने लंबे समय से चला हुआ रहा था कि मंदिर और मस्जिद को लेकर जो विवाद चला हुआ रहा था, कुछ ऐसे ही विवाद आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं कई बार। ठीक है, जहां पर भी देखिए आप लोगों को ये पुरानी हिस्टोरिकल जो सिटीज हैं वहां पर पहले क्या होता था, आज के डेट में एक बात आप लोग बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं यहां पर। एक आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मान लीजिए हमारे बाबा दादा परदादा थे
और उनके द्वारा यहां पर कुछ गलती की गई, ठीक है, और उस गलती का खामियाजा हमको भुगतना पड़े तो कैसा लगेगा? मतलब सुनने में अटपटा लग रहा है ना। एक कंट्री है ऐसी दुनिया के अंदर में, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। अगर परिवार में किसी के द्वारा गलती कर दी गई है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि सजा मिलेगी। तो ये कितनी बड़ी जाति है यहाँ पर। अब पुराने टाइम पर मान लीजिए कोई ऐसी हरकतें की गई कि कहीं पर मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बना दी, कहीं पर मस्जिद थी उसको तोड़कर मंदिर बना दिया, और उन मुद्दों को लेकर आज के टाइम में हम लोग लड़ रहे हैं रिलीजन के नाम पर। बाकी जो प्रोडक्टिव चीजें उनको छोड़कर बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान करें, जो महिलाएं हैं उनकी हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लोग कोविड-19 से मर रहे उसको रोकने के बारे में, तो वो समझ में आता है, उसको छोड़कर रिलीजन के नाम पर लड़ाई हो रही है। तो रिलीजन कोई भी कंट्री का, किसी भी धर्म का, किसी भी इंसान का ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग आपस में लड़ो, वो बोलते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में रहो एक दूसरे के साथ में। पर लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि समझ में नहीं आता क्या किया जाए, और वही कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, और ये लंबे समय से चली आ रही है, आज की बात नहीं है। तो यूएन जो है यहां पर ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि किसी काम का नहीं है एक तरीके से, जो सॉल्यूशन कुछ निकाल सके। आगे अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। 20 साल तक यहां पर अभी यूएस से रहकर जा रहा है, उससे पहले यूएसएसआर था। अफगानिस्तान में दयनीय कंडीशन ऐसी की ऐसी है, फिर से लड़ाई हो रही है। तालिबान वालों ने भी बांध पकड़ लिया था, एक बांध पर अपने कंट्रोल कर लिया, अब फिर से यहां पर अलग अलग जगह पर यहां पर वही कंडीशन देखने को मिल रही है। मतलब इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है कुछ दिन शांत रह लेते हैं, अभी ईद है उसके बाद में लड़ाई करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि ये कंडीशन क्या है, ये सिचुएशन है कि चाहे तो शांति रख सकते हैं, पर लेकिन ईद थी इसलिए शांति रख ली, फिर से स्टार्ट हो गए। तो ये वाली सिचुएशन आप लोग देखिए, बेसिकली एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो ये वाला माहौल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये वाली न्यूज थी यहां पर। एक और यहां पर ये छोटी सी न्यूज है, यहां पर ये बेसिकली बात किसके बारे में की जा रही है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके चलते कई सारे प्रोटेस्ट लगाए गए उनके, कि मोदी जी हमारे बच्चों का जो वैक्सीन है वो विदेश क्यों भेज दी। तो ये कंपेन चलाया जा रहा था अभी, और कई जगह यहां पर इसके चलते पोस्टर लगाए गए, ये ट्विटर पर भी वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी यहां पर ये बोली जा रही है कि यहां पर उनको 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कांग्रेस ने बोला कि किस बिना पर गिरफ्तार कर रहे हो, कि प्राइम मिनिस्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको गिरफ्तार कर लोगे, तो कहां है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो आप लोग जो बोलते हैं आर्टिकल, जो आप लोग बोलते हैं कि संविधान में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 19 आप लोगों के पास में आता है, तो कहां आप लोग का आर्टिकल 19 है यहां पर, अगर इस तरीके से आप लोग देखिए। तो उसके चलते ये बातें यहां पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है। तो साइक्लोन की कंडीशन जो है वो और ज्यादा डीएनए यहां पर होती जा रही है। यहां पर अगर बात करें, बहुत ज्यादा त्रासदी देखने को मिली, 5 लोगों की जान भी यहां पर चली गई साइक्लोन की वजह से। तो ये जो साइक्लोन है आप लोग कहां देखने को मिल रहे हैं, साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां पर, ये अरेबियन सी वाले रीजन में, और यहां पर ये ताकतवर ही होते हुए अभी जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, नॉर्मली इसको आप लोग ताउकेत के नाम से बोल सकते हैं, पर लेकिन इसको जो इसको प्रोनाउंस करेंगे वो बोलते हैं इसको ताउते, ठीक है, वैसे इसको नाम तो स्पेलिंग है पर लेकिन ताउते इसको यहां पर प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है। ये जो ताउते है ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, फिर से बता देता हूं, इसका नाम अगर देखिए आप लोग ताउते का, म्यांमार की भाषा में आप लोग इसको बोल सकते हैं, बेसिकली म्यांमारी भाषा में इसको बोलते हैं ताउते, ठीक है, वैसे ताउते बोलिएगा, प्रोनाउंस करना है इसको उस तरीके से, ठीक है, टी साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब होता है गीको, मतलब कि छिपकली, यानी कि इस साइक्लोन का नाम है छिपकली दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया, म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया, और ये अभी 2021 का पहला इस तरीके का इतना ह्यूज लेवल का साइक्लोन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कल ही, इसकी जो स्पीड है यहां पर, ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ गई है। अगर 160 से लेके 220 तक का स्पीड यहां पर देखने को मिलती है तो ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आता है। और ये बातें कौन बताता है, मैं नहीं बताता हूं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, जिसको आप लोग IMD बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो साइक्लोन की वजह से काफी ज्यादा दयनीय कंडीशन बन जाती है, बहुत लार्ज स्केल पर लोगों की जान चली जाती है, बिजली के खंभे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बर्बाद होती है आप लोगों को नजर आती है, जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और साइक्लोन के मैंने आप लोगों को अलग अलग नाम भी बताए थे, इनको हमारे वाले एरिया में साइक्लोन बोला जाता है, जापान वाले एरिया में टाइफून बोलते हैं, हुरिकेन बोला जाता है अमेरिका वाले एरिया में। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है यहां पर। ये अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में जाएंगे तो विली विली के नाम से भी जाना जाता है लोकल भाषा में इसको। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो इंसान को सोचने के लिए मजबूर करती है कि मजे मजे में इतना भी नहीं मजा लेना है कि पता चला जान चली जाए। अब यहां पर लगभग 20 के करीब लोग थे, एक बोट में जा रहे थे यहां पर इंडोनेशिया के अंदर, और सेल्फी ले रहे थे, मजे ले रहे थे सेल्फी ले लेकर। तो सेल्फी लेने लेने के चक्कर में इनकी हालत जो है इतनी खस्ता हो गई कि वो बोट जो है डूब गई, क्योंकि एक साइड में सारे इकट्ठे हो गए आकर।
तो 7 लोगों की जान चली गई। एक सेल्फी कितनी भारी पड़ गई यहां पर, इसे समझ में आता है कि जरा सी भी जो केयरलेस अगर कोई इंसान हो जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम लोग रोक सकते हैं, ये वो जान जा रही है जिनको हम लोग बचा सकते हैं, तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर अगर बात की जाए, ये है एक पर्टिकुलर अभी रिसेंटली यहां पर अगर बात करें इटालियन ओपन के बारे में बात की जा रही है, तो पोलिस यहां पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है ईगा स्वायत्तिक। ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर अभी ये इटालियन जो ओपन है ये जीत लिया गया है और हराया गया यहां पर कैरोलिना को 6-0 से, बड़ी ही बुरी तरीके से हराया भाई साहब समझ सकते हैं इसको, मतलब कि एक तरीके से बिल्कुल नहीं कहते बिल्कुल 0-0 पर अटका दिया बिल्कुल लाकर। तो ये कंडीशन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करें, ये अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, आज जो है यहाँ पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है हमारी पीआईबी वाली वीडियो में। तो 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम, तो ये इसकी थीम है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे यूपीएससी आप लोगों से पूछती है। ठीक है, आज जो है ये है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, हाइपरटेंशन जो होता है इसके रिलेटेड जो डे है ये आज सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। और हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप। ठीक है, न्यू भाषा में आप लोग बोले हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो यहां पर इसकी थीम क्या है, अब इसमें जरा जरा सा मैंने चेंज किया है तो आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी वो जो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने अभी डाली थी, मतलब जो आप लोगों की पीआईबी वाली आज की, वो नहीं देखी है तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे, मतलब दे तो पाएंगे पर लेकिन आप लोग कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा और यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थीम है कंट्रोल योवर ब्लड प्रेशर, मेजर इट एंड लिव लॉन्गर। दूसरा बोला गया काउंट योवर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तीसरा बोला गया मेजर योवर ब्लड प्रेशर, काउंट इट एंड लिव लॉन्गर। चौथा बोला गया मेजर योवर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो सही आंसर क्या है यहां पर, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर देगा उसको तो भाई साहब चॉकलेट बनती है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखते हैं कौन सी आंसर देता है। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो देखता हूं किसका आंसर सही निकल कर आता है यहां पर। ठीक है, आइए अब आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलने वाले हैं, एडिटोरियल वगैरह कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू, और फिर इसके बाद में इनका डिस्कशन देखेंगे। जो एडिटोरियल है आज थोड़ा सा एक आधा एडिटोरियल डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है, कोविड-19 से हटकर थोड़ी चीजें यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो साइड में तो हालांकि ये आर्टिकल जो कोविड-19 के बारे में, उनके बारे में तो मैं आप लोगों से एक साथ में ही डिस्कस कर लूंगा। कोविड-19 के बारे में बात कर रहा है, वैक्सीन के बारे में किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करें तो एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देकर चलूंगा क्या क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है, क्या कंडीशन है महिलाओं की आज की डेट में कोविड-19 के चलते। अभी एक रिपोर्ट आई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, तो उसके द्वारा कुछ बातें बताई गई इंपॉर्टेंट है समझेंगे। ये यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। केरला में लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो नहीं इंपॉर्टेंट है यहां पर, मंडे को ये एडिटर को लेटर लिखते हैं उनका रिप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जर्नलिस्ट आप लोग बनना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है, ये अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जा रहा है और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या है नेशनल ट्रिब्यूनल, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझेंगे, कार्टून मैंने आप लोगों को बताई दिया यहां पर, ये कार्टून आप लोगों ने देख लिया, बाकी ये है आज का डेटा पॉइंट। इन द सर्च ऑफ जॉब, जॉब की कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है अगर कंट्री के अंदर आप लोग समझिएगा। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बात करिए हमारी कंट्री में, जो आज की डेट में देखिए पहले भी 45 साल में सबसे ज्यादा जॉब कम जॉब देखने को मिलती, तो अभी फिलहाल जो लेबर का पार्टिसिपेशन है ये माना जा रहा है कि थर्ड कंसेक्यूटिव जो यहां पर मंथ है अभी 39.9% गिर गया है। इसके बारे में एक आर्टिकल भी है, उसमें आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे बेसिकली यहां पर बात करने की कोशिश की क्या की जा रही है, उसको आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्या है उसको समझाता हूं मैं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इसमें बात की जा रही है। तो इसमें आगे घुसने से पहले मैं आप लोग क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग यहां पर ये देखिए, आज की डेट में जो महिलाएं हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या देखने को मिल रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको जॉब चलेगी जॉब ले लेगा पर लेकिन महिलाओं की जॉब चलेगी तो उनको फिर से रिटर्न में जॉब नहीं मिल पाती है, उसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिल पाती है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इन ऑर्डर टू रिड्यूस वुमेन बर्डन ऑफ अनपेड वर्क, घर पर जो भी काम महिला करती है उसके लिए उनको कोई पे नहीं करता है पर लेकिन इंसान अगर देखे तो आज की डेट में कंडीशन ऐसी रहती है कि महिलाओं के बिना अगर वो घर न थामे तो इंसान बाहर नहीं निकल पाए, तो आज की डेट में उनका पोटेंशियल जो है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो काफी ज्यादा जरूरत है यहां पर कि उनको पढ़ाया जाए लिखा जाए और अगर कोई कैपेबल है घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए तो उसको वो काम दिया जाए और जेंडर जस्टिस होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि मेल ही ये काम करेगा और फीमेल ये काम करेगी, ये डिवाइड कर दिया जाता है। ये धरती पर आकर ही चीजें देखने को मिलती हैं,
भगवान इल्ला गॉड जो भी आप लोग बोलिए वो यहाँ पर डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, हम लोगों ने खुद डिफरेंस क्रिएट किए हैं। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये बोल क्या रहे हैं। अभी 2020 ने यार बहुत बुरी कंडीशन क्रिएट कर दी देश के अंदर, खासकर महिलाओं पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। जो यहाँ पर महिलाएं जो भी यहाँ पर पहले तो वैसे ही महिलाओं को काफी कम जॉब मिलती है, कुछ तो कम मिलती है, कुछ लोग जो है एक तरीके से घर से नहीं निकलने देते हैं, कुछ एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो घुमा फिराकर सारी मार महिलाओं पर पड़ती है। अभी 18% जो वर्किंग एज वुमेन है ठीक है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू 75% मैन। यानी कि अगर हमारी कंट्री में 100 महिला ऐसी हैं जो कि जॉब करना चाहती हैं तो उनमें से 18 महिला ऐसी हैं वर्किंग एज की जो प्रॉपर जॉब कर रही हैं, और जबकि मेल में अगर बात करिए तो 75% आप लोगों यानी कि 100 में से 70 लोग आप लोगों को प्रॉपर वे में जॉब करते हुए मिल जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो महिलाओं के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले तो लैक ऑफ गुड जॉब, यानी कि महिलाओं को एक सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जिस तरीके का उनके लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर लड़का है तो रात को भी कहीं काम दे दोगे जाकर कर लेगा, लड़की के लिए वो चीजें अलाउ नहीं है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि लड़के यानी कि जो सोसाइटी में जो एक मेल कम्युनिटी है जिसको मर्द जात हम लोग बोलते हैं वो यहां पर इतनी बुरी कंडीशन क्रिएट करती है कि जो फीमेल कम्युनिटी है जो महिला है उनको ढंग से एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है कि वो एक मतलब नहीं कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके, तो ये बुरी कंडीशन है। दूसरा रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म सोसाइटी में कि महिला है आसपास में जॉब देख लेना, ज्यादा देर तक रात में बाहर मत रहना, ये सारी बातें जो महिलाओं को बोली जाती है, कपड़े इस तरीके से पहन के चलना, ये सारी चीजें जो हम लोग महिलाओं को बोलते हैं, अगर इसमें से हम लोग आधी भी यहां पर अगर मेल कम्युनिटी को यानी कि अपने जो घर में जो बॉय जो कम्युनिटी है घर में जो बच्चे हैं उनको बोले, खासकर बॉय यानी कि लड़के को बोले, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो कम हो जाएंगी और महिला अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएगी। बर्डन ऑफ हाउस वर्क अगर आप लोग देखें नॉर्मल तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे देखा जाता है, घर में कोई बीमार है तो महिला उसका ध्यान रखेगी, बच्चा है तो महिला ध्यान रखेगी, खाना बनाना है तो महिला ध्यान रखेगी, कपड़े धुलने हैं बाहर से कोई सामान लेके ये इस तरीके से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके लानी है, ये कई सारे ऐसे एरिया है जहां पर सारे काम महिला एक तरीके से। कई बार तो एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है कि एक महिला है ठीक है उसके 8-10 हाथ दिखा रखे हैं, देवी नहीं होती जैसे देवी होती है ठीक है, और कई एक हाथ में चकला बेलन है, एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए, एक हाथ में मतलब ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो ये काम जो इतना करने को पड़ता है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये ऐसा काम है यार जो कि आप लोगों को 365 दिन करना है, ये ऐसा काम है जो आप लोगों को 24 आवर यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें आप लोग नहीं करेंगे इसको। सोने का टाइम छोड़ दीजिए, उठने से फिर से उसी तरीके से साइकिल घूमने लगती है और पूरे दिन ये घर का काम इसी तरीके से चलता रहता है। तो अगर इस तरीके से महिलाओं को, सबसे बड़ी बात करता है क्या है, यहां पर कोई इसके लिए पेमेंट नहीं है। संडे को जब हम लोग बोलते हैं बहुत काम हो गया संडे को थोड़ा मजा कर लेते हैं, तब आप लोग घर पर रहते हैं, अगर बच्चे हैं स्कूल बंद हो जाता है तब घर पर रहते हैं तो और ज्यादा काम बढ़ जाता है हमारे घर में, जो मम्मी बहन वगैरह होती हैं उनको और ज्यादा दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है, क्योंकि अब वो नहीं कहते कि अब तो पूरे दिन छाती पर मूंग दलेगा, आप लोगों ने सुनी होगी ना ये शब्द इस तरीके से कई बार बोले जाते हैं, थोड़ी देर शांति बढ़ जाती है बच्चा स्कूल में चला जाता है तो अब तो स्कूल में भी नहीं जा रहा है कोई, तो यहाँ पर अभी और ज्यादा बर्डन इनके ऊपर बढ़ गया है। तो अभी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 यहाँ पर 1 ईयर ऑफ कोविड-19 ये रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करी गई अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जो ये आर्टिकल यहाँ पर लिखने वाले जो पर्सनैलिटी हैं वो भी यहाँ पर इसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये दोनों ठीक है। तो एक तो सीनियर रिसर्च जो यहाँ पर ये फेलो है काम कर रहे हैं यहाँ पर ये ठीक है, उसी के साथ में प्रोफेसर है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर और यहाँ पर ये रिसर्चर है जिनके द्वारा मिलकर यहाँ पर यानी कि एक टीचर और उनकी स्टूडेंट के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि महिलाओं की कंडीशन क्या है देश के अंदर वो समझाने की कोशिश की जा रही है एक साल होने के बाद में। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये ढंग से पढ़नी है तो ये लिंक है यहाँ पर, जैसे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इस लिंक को कॉपी कर लेना और कॉपी कर गूगल में डाल देना जाकर, ये पूरी रिपोर्ट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर ये जद्दोजहद नहीं करते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, इस रिपोर्ट को इसका लिंक मैं आप लोगों को डायरेक्ट या फिर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अगर पीडीएफ इसकी होगी टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग पढ़ लेना ठीक है। तो इसके ऊपर निबंध वगैरह कोविड 19 के चलते जो कंडीशन वुमेन की बनी हुई है या फिर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर या फिर इंटरव्यू में भी आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं कि हमारे देश में जो पैट्रियार्कल है पुरुष प्रधान देश है ऐसी कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है, तो ये पूछा जा चुका है। तो अभी जो लास्ट जो ईयर वाला पेपर था उसमें आप लोग जाकर देखेगा ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है। तो कोई ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो 2020 के मेंस के पेपर देखना आप लोग ऐसे का पेपर और ये इसके जो पेपर आप लोगों को इस क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे जो मैंने एनालिसिस किया था उनका ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे। अगर बात करें यहां पर अभी अगर थोड़ा सा और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए
तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि फिलहाल के टाइम पर, अभी फिलहाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन जो इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि पर्टिकुलर एक यहां पर अगर ये कंपनी के बारे में बात करें, इसके द्वारा बोला गया कि जो 61% जो मेल है वो वर्क कर रहे हैं अनअफेक्टेड, यानी कि एक तरीके से कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ा है, ओनली 19% फीमेल है जो अनअफेक्टेड काम कर रही है, यानी कि 61% लोग आराम से काम कर रहे हैं और 19% लोग जो वुमेन आराम से काम कर रहे हैं जिनकी जॉब ठीक से चल रही है। यहां पर भी आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि महिलाओं को एक नॉर्मल माहौल में काम करने का मौका नहीं मिलता है। 49% जो इम्प्लॉयड वुमेन है यहाँ पर ही, वो अपनी जॉब खो चुकी हैं, जबकि 7% ओनली मेल ने खोई है, यानी कि जो जॉब भी है ना कोविड-19 के चलते, यहाँ पर महिलाओं की लगभग 50% और जो मेल है उनकी लगभग ओनली 7-8%, ये कंडीशन है। अगर बात करें 33% जो, अगर महिलाओं के बारे में बात करें, 33% जो फॉर्मर सैलरीड थी यहाँ पर ये महिला, ठीक, यहाँ सॉरी मेल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, 33% फॉर्मर सैलरीड जो मैन है यहाँ पर ये, उनको या तो सेल्फ एम्प्लॉयड करने स्टार्ट कर दिया है या फिर 9% के करीब अपना डेली वेज वर्कर में लग गए हैं 2019 और 20 में अगर हम लोग बात करें। जबकि फीमेल के बारे में बात करें, उनको ऑल्टरनेटिव कोई काम मिल ही नहीं रहा है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड में ओनली 4% लगी है और 3% किसी फॉर्मल सैलरी इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर दूसरा कोई रेस्पेक्टिव काम इनको मिल पाया, यानी कि ऑल्टरनेटिव काम भी इनको यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये भी एक बुरी बात आप लोग यहां पर देखने को मिल सकती है। जो भी महिलाएं हैं उनकी लगभग आधी महिलाएं अगर आप लोग देखेगा, ठीक है, उनको आप लोग देखेगा कि वर्क फोर्स से हट गई हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें 100 महिला काम कर रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो 50 महिला घर पर बैठ गई हैं जाकर, जबकि 10% यहां पर ओनली जो यहां पर मेल, यानी कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं इनके पुरुष जो हैं वो बैठे हैं, यानी कि महिलाओं पर हर तरीके से मार पड़ रही है इस पर्टिकुलर चीज की। ये तो हो ही गया, इसके साथ में डोमेस्टिक जो चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं, यानी कि बात ये की जा रही है कि अगर घर में कोई बीमार है कोविड-19 के चलते उसका ध्यान रखना है, तो अभी फिलहाल जो रिकवरी रेट काफी कम है उसकी वजह से महिलाओं के ऊपर और बर्डन पड़ रहा है। कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई बच्चा हो गया, इसी के साथ में कोई बुजुर्ग है घर में, ठीक है, कोई और बीमार पर्सन है, सारी चीजें यहां पर, अभी बच्चों के स्कूल भी नहीं है, लोग भी यहां पर काम पर नहीं जा रहे हैं, अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, तो सारा जो बर्डन पड़ता है वो महिला पर पड़ता है, तो ये काफी अनफेयर चीज यहां पर देखने को मिलती है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इसको कैसे सोचते हैं, आप लोग इसके बारे में जरूर बताएगा। तब तक आइए मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये एक डिफरेंट तरीके का आर्टिकल है। अगर मैं आप लोगों से इससे पहले इसमें आर्टिकल में अंदर घुसने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये नहीं कहता पहचानो क्या है ये, ठीक है, आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग इसका नाम बताना है कहां पर लोकेटेड है ये, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर ये माना जाता है कि हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो ये आप लोग को ये बताना है कि ये है कहां पर और ये किससे रिलेटेड, इसका नाम क्या है जिसके बेस पर हम लोग बोलते हैं आज की पार्लियामेंट बनाई गई है। आप लोगों से मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस जा रहे हैं यहां पर कि जो हमारी कंट्री में अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है पार्लियामेंट बनाने का, जो एक ग्रांड प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में चल रहा है, ठीक है, ये है पुरानी संसद, इसके आगे बनाई जा रही है नई संसद, इधर होगा ये राष्ट्रपति भवन, वो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, यहां पर नई संसद जो यहां पर दूसरी जो अटैच बिल्डिंग है वो आप लोग ये देखने को मिलेगी। तो ये गोल के बजाय तिकोना आकृति में अभी यहां पर ये बनाई जा रही है, तो ये जो गोल संसद है वो यहां पर इससे इंस्पायर हो गई थी, ये बोला अभी नई संसद जो बनाई जा रही है वो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर इसके ढांचे के बारे में, तो आप लोग देख पाएंगे मोटे मोटे तौर पर यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बोला जा रहा है कि टोटल जो एरिया है यहां पर ये 64,500 स्क्वायर मीटर में ये बनाया जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा और जो सेंट्रल लॉज है वो देखने को मिलेगा। थीम क्या रखी गई है, लोकसभा के अंदर पीकॉक नेशनल बर्ड रहेगी और राज्यसभा के अंदर लोटस यानी कि नेशनल फ्लोर रहेगा, ठीक है, तो वही बात की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी का कमल है ना वो रहेगा, इसके ऊपर कई सारे लोगों ने बात आवाज भी उठाई थी। सेंट्रल जो लॉज है यहां पर ये बनियान यानी कि नेशनल ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, बरगद का पेड़, ये बातें की जा रही है। कैपेसिटी बढ़ानी यहां पर 800 के करीब लोकसभा की सीटें देखने को मिलेगी जो बढ़ी हुई नजर आएगी, ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें ये 384 के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सीट राज्यसभा के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली यहां पर सीट बढ़ानी है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेशन है वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल रही है, तो रिप्रेजेंटेशन को यहां पर बढ़ाना है आने वाले टाइम में, ताकि ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाए, जैसे कि ज्यादा जनता बढ़ चुकी है, अभी यहां पर फिर से डिलिमिटेशन कमीशन होगा तो जरूरी है ये चीजें करना। टाटा प्राइवेट जो लिमिटेड है वो प्रोजेक्ट देख रही है, आर्किटेक्ट जो डिजाइन किया गया है ये HCP डिजाइन जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, 2022 तक का ये प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है, तो देखते हैं किस तरीके सिचुएशन आगे बढ़ने वाली है। अगर बात की जाए यहां पर फिलहाल के टाइम पर पुरानी बिल्डिंग के बारे में जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको सेंट्रल विस्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। सेंट्रल विस्ता जो है इसमें क्या क्या आता है पहले आप लोग ये समझिए, हाउस ऑफ राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट आती है हमारी संसद भवन,
नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक देखने को मिलते हैं, इंडिया गेट और नेशनल जो आर्चीव जो आर्काइव है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये किसके अंदर आती है, ये सेंट्रल हॉल के अंदर आती है, सेंट्रल विस्ता के, सॉरी सेंट्रल विस्ता के अंदर। इसको बनाया गया था दिसंबर, इसको बेसिकली जो स्टार्ट किया गया था यहाँ पर चीजें 1911 में जो किंग जॉर्ज फाइव ब्रिटेन के जो किंग थे यहाँ पर, उनके द्वारा अनाउंस किया गया दिल्ली दरबार। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, तो दिल्ली दरबार क्या था यहाँ पर, हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा। तो कैपिटल शिफ्ट की गई थी यहाँ पर दिल्ली को, जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी यहाँ पर कोलकाता टू दिल्ली, तब ये चीजें देखने को मिलती है। और एक तरीका यहाँ पर राज तिलक किया गया था किंग का। ठीक है, ये बनाई किसके द्वारा गई थी यहाँ पर, ये एडविन लुटियन और इसी के साथ में हार्बर बेकर, इनके द्वारा मिलकर तैयार की गई थी। हार्बर बेकर जो थे यहाँ पर, ये थे एक साउथ अफ्रीकन पर्सनैलिटी, और एडविन लुटियन जो थे ये यूरोपियन पर्सनैलिटी थे। हार्बर बेकर के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती है, जो यूनियन बिल्डिंग है साउथ अफ्रीका की, जो टेरिटोरिया के अंदर है, ये भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। पार्लियामेंट जो हाउस है वो लुटियन और बेकर दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया। राष्ट्रपति भवन जो था वो लुटियन के द्वारा बनाया गया, और सेक्रेटरिएट जो था वो हार्बर बेकर के द्वारा बनाया गया। तो अपने टाइम की महान पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा ये स्ट्रक्चर तैयार की गई थी। तो इसके चलते यहां पर अभी सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है कि ये जो स्ट्रक्चर पूरी तैयार की गई थी, इसको अभी कुछ कुछ इसकी जो चीजें हैं वो डिमोलिश भी की जा रही है, जिसकी वजह से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में सेंट्रल विस्टा को लेकर जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा आतुर है, और बहुत लार्ज स्केल पर आगे लेकर चली है। तो नेशनल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एक टाइम पर, एक इंसान जो है इसको ऑक्सीजन की कमी है, उसकी वजह से अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो अभी मर जाएगा इमीडिएटली, एक मिनट के अंदर ही। एक इंसान ऐसा है जिसकी हालत ठीक ठाक है, बस वो है कि आगे बीमारी कोई ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। तो किस इंसान के पास में दवाई जानी चाहिए, इसके पास में जानी चाहिए, इसके पास में, वही चीज है कि पेंडेमिक के टाइम पर ये जरूरी है कि ऑक्सीजन इसको मिलनी चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो जाए अगर ये कोई बीमार आदमी है, डायबिटीज की बीमारी है, कोई और बीमारी है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी हो, जो इमीडिएट मर सकता है, तो इमीडिएटली लोग मर रहे हैं। और यहां पर आरोप ये लगा रहे हैं राइटर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा फोकस देकर चल रही है कि हम लोगों को पार्लियामेंट की बिल्डिंग कंप्लीट करनी है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगना है, और इसके चलते ये पैसा फिलहाल यहां पर यूज खर्च किया जा सकता था, और उसको थोड़े टाइम के लिए डिले किया जा सकता, कम से कम 6 से 7 महीने तो डिले कर ही सकते थे ना, ताकि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। पर लेकिन वो भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो इसके लिए आरोप लगाया जा रहा है राइटर के द्वारा। अगर नई बिल्डिंग जो है यहां पर ये देखने को मिल रही है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया रेजिडेंस, प्राइम मिनिस्टर का एक नया हाउस बनेगा, जिसके चलते यहां पर बोले थे कि प्राइम मिनिस्टर महल, मोदी महल के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इनकी भी बिल्डिंग यहां पर रहेगी, इनके भी मतलब यहां पर एक घर रहेगा जो इसके अंदर बनाया जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर। रिक्वायरमेंट है इसकी, कोई इसकी कुछ में कोई दो राय नहीं है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन रियलिटी में कितनी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम पर, जो अपनी कंडीशन बनी है वो ध्यान में हम लोग को रखनी थी, पहले आप लोग यहां पर समझना था। ठीक है, अगर बात करें जो इसका टाइम पीरियड रखा गया है इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, तो राइटर जो है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एक भव्यता के जुनून में घुसी हुई है, कि हाँ एक तरीके से आज के में क्रूर जुनून उसके अंदर आ गया कि इसको कंप्लीट करना है, ताकि आगे लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे 2014 में, तो इसका गुणगान किया जा सके कि हम लोगों ने एक यादगार स्मारक बना दिए, और उसका गुणगान यहां पर किया जा सके। पर लेकिन ये गुणगान जो है ये आप लोग बाद में भी करा सकते हैं, लोगों की जितनी ज्यादा डेथ यहां पर हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, दवाई की वजह से, या फिर उनको मतलब कोई और दूसरा सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। तो ये अर्जेंसी जो है यहां पर जस्टिफाइबल नहीं है कि अभी अर्जेंट यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट थी, अर्जेंट ये रिक्वायरमेंट है पर लेकिन अर्जेंसी नहीं है इसकी, लोगों की जान के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो। अभी 76 के करीब स्कॉलर थे, आर्टिस्ट थे, राइटर थे, कई सारे लोगों के द्वारा मतलब इकट्ठा होकर कई सारी बातें यहां पर बोली गई, कई सारी चीजों को लेकर कंसर्न दिखाया गया। म्यूजियम के कुछ प्रोफेसर भी थे, क्या था कि अभी नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसी के साथ में नेशनल आर्काइव ऑफ जो एनएक्स है यहां पर, ये तीन बिल्डिंग को यहां पर अभी कुछ ऐसा है कि इनको यहां पर डिस्ट्रॉय कर कुछ और रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, जो कि एक थ्रोवर की तरीके से देखी जाती है। इनमें से कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं कि यहां पर ऐसी चीजें रखी गई हैं, अगर उनको यहां से हटाकर कहीं और लेकर आप लोग जाओगे तो उनके ढांचे टूट फूट सकते हैं, और जरा सी भी केयर रही तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर इधर उधर हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसी, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अपना घर बदलना है, एक घर में आप लोग रहते हैं और दूसरे घर में जाना है, तो सोचिए बहुत सारी ऐसी पुरानी धुरानी चीजें हम लोग छोड़कर वहीं पर आ जाते हैं, पर लेकिन वो तो छोड़ देते हैं, सही है चले जो भी है, पर लेकिन यहां पर ये पुरानी धुरानी ही सारी चीजें इनको छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो बिल्कुल सारी एक धरोहर है हमारी हिस्टोरिकल चीजें, तो इनको किस तरीके सहज पाएंगे ये सोचने वाली बात होगी। नेक्स्ट बात की जाए यहां पर,
अभी अगर देखा जाए जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसको तत्काल स्थगित कर देना चाहिए और पब्लिक के साथ में बात करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बात करें यहाँ पर जो भी ये चीजें बनाई जा रही है, कैसे इनको कंजर्व करना है, रिलोकेट करने में कितनी सारी चीजें टूटेंगी फूटेंगी, ठीक है, जो रिकॉर्ड है वो भी आप लोगों के पास में प्रॉपर में चीजें नहीं है, जो भी यहाँ पर रखी हुई है उन चीजों को कैसे आप लोग संभाल पाओगे, तो ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क है, आसान नहीं है। अगर सिचुएशन कुछ भी ऐसी हुई, टूट फूट गई, तो हम लोग अपनी धरोहर का नुकसान कर रहे हैं जो अब तक सहज कर रखी गई थी। तो डिटेल प्लानिंग और जो एक्सपर्टीज है वो भी आप लोगों के पास में ढंग से नहीं है, जिस तरीके से ऑफर थाफर में ये चीजें चल रही है ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इंपॉर्टेंट बात एक आप लोगों को मैं यहां पर बोलूं तो ये बोला गया ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट लगाया गया है तो जनता के साथ में डिस्कस किया गया, प्रॉपर वे में कंसल्ट किया गया उसको, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एक तरीके से ओपेक है यहां पर, ये बस बनाया जा रहा है। इवन इतनी बुरी कंडीशन यहां पर कर दी गई है कि कोई यहां पर फोटो भी नहीं ले सकता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। अभी देखिए कि यहां पर लगा दिया गया कि जो यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि यहां पर ये आप लोग फोटो भी नहीं ले पाएंगे, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो फोटो बैन करना, इससे चीजें छुप नहीं पाएंगी, एक तरीके से ये ने इनटॉलरेंस होती जा रही है गवर्नमेंट, ये बोला गया राइटर के द्वारा। मतलब फोटो खींचने से मना कर दिया क्योंकि ये वायरल हो गई थी ट्विटर पर कि यहां पर क्या चल रहा है देश के अंदर में, तो इसलिए फोटो खींचने से भी मना कर दिया। तो म्यूजियम के अंदर जो चीजें आप लोग उठाने वाले हैं उनकी सूची भी अब तक तैयार नहीं है, तो कितने गायब हो जाएंगे, कितने टूट जाएंगे, कोई पूछने वाले नहीं बनेगा जब आप लोग लिस्ट ही तैयार नहीं कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से अगर जरा से भी मिसमैच हुई कंडीशन तो बुरी देखने को मिलेगी। तो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है ये थोड़ा जल्दीबाजी नहीं हो रही यहां पर, ये बोल रहे राइटर की थोड़ा सा सस्ता लेते यार, अभी पहले COVID-19 को टैगल कर लेते फिर बनाते रहते ये सारी चीजें। आप लोगों को पता है COVID-19 की वैसे क्या कंडीशन है देश में, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, सोसाइटी बर्बाद कर दी, पॉलिटिकल स्पेयर भी यहां पर इंपैक्ट हुआ है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर, फिर भी अब तक गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो मिलकर काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर जहां जरूरत है फोकस देने की वहां पर फोकस देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बताइए कि यहां पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना पसंद करोगे, ठीक है। तो यह है बेसिक बात जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट ये यहां पर आर्टिकल है ये वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन यार एक काफी इंपोर्टेंट चीज है, अगर हम लोग ढंग से लोगों तक नहीं प्रोवाइड करा पाए तो लोगों की काफी सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आएगी। सेकंड वेव सबको पता था कि यहां पर इस तरीके से अभी चल रही है, उसके चलते भी लापरवाही बढ़ती गई। तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है तो स्विफ्ट गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी ना, इसका मतलब होता है तीव्र तेज। कई सारे मैंने आप लोगों की वोकैबुलरी यहां पर डाली, कई सारे बच्चे बोले थे सर जो टफ शब्द है उनकी वोकैब डाल दिया करो, तो जितनी पॉसिबल हो पड़ेगी 5-10 मैं जरूर इंक्लूड किया करूंगा। ये सारी चीजें अगर आप लोग जो ईपीएफओ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग जैसे एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इनमें भी शायद ये सारी चीजें पूछी जाती हैं जो वोकैबुलरी वगैरह है, ठीक है। सीडीएस एनडीए में तो पूछी जाती है, सीडीएस के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो इंक्लूड करके चलूंगा, तो यहां पर भी आप लोगों को अच्छा फायदा होगा इससे, ठीक है। अभी बात की जा रही है 3% या फिर 10% यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 3% जो है जिनको दोनों डोज मिल चुके हैं और सिंगल डोज यहां पर अभी मिली है ओनली 10% को, तो ह्यूज पॉपुलेशन अभी है जिनको यहां पर दवाई नहीं मिली है। कोवैक्सीन जो है यहां पर वो अभी हमारी कंट्री में काम कर रही है, कोविशील्ड काम कर रही है, और स्पुतनिक 5 अभी यहां पर जस्ट आई है जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में अभी होल्ड पर रख दिया गया वैक्सीन को 18 से लेकर 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि प्रॉपर वे में दवाई पहुंची नहीं पा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने और भारत बायोटेक ने ये बोला कि भाई साहब हम लोग सारी चीजों को संभाल लेंगे, पर लेकिन कब, जब बुरी कंडीशन हो जाएंगी, तो अभी ये चीजें नहीं हो पा रही है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने यह बोला है कि यार जो भी कंट्री है पेटेंट वो अपना फ्री कर दीजिए यहां पर, ताकि दवाई लार्ज स्केल पर बनाई जा सके और जेनरिक दवाई ला सके। तो कई सारी कंट्री ने मुंह मोड़ लिया इसमें, तो ये भी बुरी कंडीशन है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जो वैक्सीन जो मेडिसिन है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अवेलेबल होनी चाहिए और काफी डाइवर्स ऑप्शन होने चाहिए, यानी कि बस दो ही दवाई है, तो तब जाकर आप लोग भाई साहब इस बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे, वरना ये बीमारी आप लोगों को कंट्रोल कर लेगी। ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। सेक्शन 100 जो है पेटेंट एक्ट ये 1970 का, ये अलाउ करता है यहां पर सेंट्रल को कि लाइसेंस दे कंपनी को मैन्युफैक्चर करे वैक्सीन, और सेक्शन जो 92 है यहां पर एक्ट का वो अलाउ करता है कि सर्कमस्टेंसेस नेशनल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप लोग वहां पर अलाउ करें। तो फिलहाल अभी सेंटर जो यहां पर दूसरी कंट्री को बोल रहा है पेटेंट आप लोग थोड़ा सा ढीला कीजिए, अभी खुद हमारी कंट्री में भी सेंटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ये यहां पर ढंग से लेकर चले, कंपलसरी लाइसेंसिंग की जब बात करें प्रॉपर वे में उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं यहां पर हमारी कंट्री में। मतलब दूसरों को तो आप लोग बोल रहे हैं कि पेटेंट थोड़ा सा ढीला कर दिए, अपनी कंट्री में जो लोग दवाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें आप लोग कितना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये भी तो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहां पर बातें बोली जा रही है, ठीक है। आप लोगों की क्या रहे हैं यहां पर, वो नहीं कहते कि पहले दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेवान में झांक लो, तो ये वाली बातें कई बार देखने को मिलती है और यही राइटर यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ रहे हैं बेसिकली, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है।
तो एक छोटी सी बात है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, एक मोटा मोटा सा आइडिया बेसिकली। आगे चलते हैं, ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल के बारे में क्या बात की जा रही है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्या किया गया है, कई सारे ट्रिब्यूनल को अबोलिश करने की बात की गई है और उनकी जो बेसिकली सर्विस थी वो दूसरे किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को देने की बात की गई है। जैसे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस लाया गया 2021, तो ये ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश। ये संविधान में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है यहां पर 213, ठीक है, 213 नहीं है, याद रखना, ये आर्टिकल 213 है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्टेट के लिए है। जो नॉर्मल आर्टिकल है वो है 123, ठीक है, यानी कि 123, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लेकर आना है तो ये वाला ऑर्डिनेंस लेकर आना है, और ये वाला लेकर आएगा कौन, ये वाला आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर चीजों को करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहले आप लोग समझिए, ये बेसिकली जो ट्रिब्यूनल है ये कहां से निकल कर आया, इसका मतलब है ट्रिब्यून, जो रोमन जो ऑफिशियल है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर रोमन एम्पायर में अगर पहुंचेंगे वहां पर, तो जो मोनार्की हुआ करती थी उनके द्वारा क्या किया गया, जो बेसिकली जो एक तरीके से जो अथॉरिटीज थी, जैसे जो यहाँ पर जो एस्ट्रोक्रेट थे, जो मजिस्ट्रेट थे, उनसे सिटीजन को कैसे बचाना है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ताकि लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार देखने को न मिले। तो ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली एक ऐसा तरीका है कि फास्ट सॉल्यूशन निकल कर आए चीजों का, और ज्यादा लंबा समय न लगे, और इसके चलते ज्यादा पर जनता पर ज्यादा इंपैक्ट भी ना पड़े। ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन होते हैं सारे, जो डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी, और एक तरीके से टैक्स के डिस्प्यूट के साथ में भी। ये अगर बात की जाए यहाँ पर एडजुकेटिंग डिस्प्यूट जो अथॉरिटी है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बारे में बात की जाए यहाँ पर, या फिर रिव्यू करना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, तो ये सारा ट्रिब्यूनल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर आप लोग कोर्ट के अंदर जाओगे तो वहां पर आप लोग काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रीजन क्या प्रॉब्लम फेस करने का, क्योंकि यार वहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत सारे काम होते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं तो यहां पर चीजें आसान हो जाती हैं। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, 323A और इसी के साथ में 323B, ठीक है। तो ये जो दो आर्टिकल है यहां पर, इसके बेस पर हमारी कंट्री में ट्रिब्यूनल बनाए गए, जिसके चलते यहां पर जल्दी से जल्दी मैटर को निपटाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो 323A है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाए गए, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये अलग अलग एरिया के लिए आप लोगों को काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर बात की जाए 323A के बारे में, इसके बारे में अगर बात करूं, जो 323A है यहाँ पर, ये बेसिकली बातें करेगा जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड मैटर है, और 323B जो है ये मैटर करेगा जिस तरीके से टैक्स से रिलेटेड मैटर हो गया, लैंड रिफॉर्म की बात करें, तो ये दोनों यहाँ पर मिलकर काम करते हैं, ताकि सिचुएशन को जल्दी से यहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। आप लोग ये देखिए, मान लीजिए कोई एक भर्ती है, जैसे अभी मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर कोई एक भर्ती निकाली गई, ठीक है, कि इतनों का सिलेक्शन करना है। अब वो भर्ती जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई, उसका केस पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, तो उसका सोल्यूशन कब तक आने वाला है वो समझ नहीं आता है। तो ट्रिब्यूनल रहते हैं सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरीके से ये चीजें हैं हमारी कंट्री बनाई गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्या किया गया, ये जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पर, ये इनको को ये बोला गया है तो ये हाई कोर्ट के अंदर चला जाएगा अगर कोई ट्रिब्यूनल का मैटर होगा, या फिर इनको अबोलिश कर दिया जाएगा। तो इसके चलते काफी ज्यादा ये न्यूज में आ गए हैं। अभी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं, इनके द्वारा जो ट्रिब्यूनल को अबोलिश करने की बात की जा रही है, जैसे यहां पर बात आई निकल कर कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपलेट ट्रिब्यूनल को हटाना है, अगर कोई भी केस होगा पिक्चर यानी कि फिल्म से रिलेटेड वो हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, तो सारे जो भी यहां पर जो मूवी मेकर थे यहां पर सारे गुस्सा हो गए, उनके द्वारा बोला गया कि हाई कोर्ट में तो यार पता नहीं कब तक मैटर पड़ा रहेगा, तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला भी गया था यहां पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोजर मैथ्यू वर्सेज साउथ जो इंडिया बैंक वाला केस था, नो जुडिशियल इंपैक्ट जो असेसमेंट की बात की जाए यहां पर, तो इसके बारे में अगर बात करें तो अबोलिश द ट्रिब्यूनल थ्रू ऑर्डिनेंस, तो ये बातें की गई थी यहां पर। तो यहां पर एक तरीके से इसका एक तरीके से देखिए, जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है ना, उस तरीके की चीजें नहीं देखी गई कि आप लोगों को इसका इंपैक्ट करना चाहिए था कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है जुडिशियरी के ऊपर अगर आप लोग ट्रिब्यूनल हटा देंगे, क्योंकि केस पूरे हाई कोर्ट में पहुंचेंगे, दूसरे कोर्ट में पहुंचेंगे, तो क्या आप लोग उसको चेक कर पा रहे हैं, यही इसीलिए तो बनाए गए थे ताकि वहां केस ज्यादा ना पहुंचे। तो यहां पर अगर बात करें NTCA फर्स्ट यहां पर सबसे पहले जो बोला गया, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ये बोला गया था यहां पर एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में, ये बनाने की बात की गई थी कि ऐसी कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए कि क्या क्या ट्रिब्यूनल के फंक्शन है, कैसे मेंबर होने चाहिए, क्या क्या उनका वर्किंग प्रोसीजर होना चाहिए, उसके सब के बारे में बात करता था नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो ये 1997 में बोला गया था कोर्ट के केस के द्वारा, और मैं आप लोगों से आर्टिकल 2021 में डिस्कस कर रहा हूं, आज तक भी ये बॉडी नहीं बनाई गई है।
तो ये बॉडी नहीं बनाएंगे तो कई सारे ट्रिब्यूनल आप लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर रहेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट अपने आप देखती रहेगी, इसलिए कई बार इनमें चीजों की अपॉइंटमेंट भी नहीं की जाती थी। तो ये जो कमीशन था यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी था ताकि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कंट्री में स्टेब्लिश किया सके और कोर्ट के ऊपर जो बटन पड़ता है यहां से जो मैटर निकलते हैं कोर्ट में जाएंगे उसको रोका जा सके। तो इसको कॉर्पोराइज किया जा सकता था, बोर्ड सीईओ सेक्रेटरी सारे लाकर इसको बनाया जा सकता था, पर लेकिन इसको स्टेब्लिश नहीं किया गया। तो इसकी वजह से आज के डेट में भी हमारे देश में बिना ट्रिब्यूनल के ही गड्डी चल रही है। तो ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहां पर ये आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आंसर क्या है इसका, ए बी सी एफ डी, आंसर आप लोग देख लीजिए, मेजर योर ब्लड प्रेशर और कंट्रोल इट लिव लॉन्गर, ठीक है। तो मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर, आंसर इसका डी हो गया। तो ये जो बेसिकली यहां पर है ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन जो रक्त उच्च ताप जो बेसिकली डे है उससे रिलेटेड है यहां पर ये, ठीक है। तो 17 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ में देखिए आप लोगों को अगर बात करूं यहां पर, मैंने कल एक बच्चे के द्वारा शेयर किए गए कई सारे टेलीग्राम बने हुए हैं वीर तालियान के नाम से और उनके आगे ऑफिशियल भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक 1,500 लोगों ने द्वारा ज्वाइन भी उनको कर लिया गया है। तो यार मेरे नाम से अगर कोई भी ऐसी चीज चल रही है उसको ज्वाइन मत कीजिए। दो टेलीग्राम है ओनली मेरे पास में, एक तो ये है स्टडी लवर वीर के नाम से, दूसरा वीर तालियान के नाम से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे है। और यूट्यूब चैनल भी दो ही है। अभी कई सारे एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया सर एसएलवी आर्मी के नाम से भी यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मतलब ये सारी चीजें ये डुप्लीकेट चीजें जो चलती हैं तो उनको आप लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वीर तालियान वाला जो चैनल है जिसमें मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, वो चैनल बेसिकली एक स्टपनी के तरीके से है, यानी कि कल को अगर मान लीजिए कई बार चैनल टर्मिनेट हो जाते हैं कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो आप लोगों को वीडियो कंटिन्यूअस मिलती रहे, ठीक है। तो वो चैनल है, उस पर क्या क्या करूंगा, बीच बीच में कई सारी कुछ गाइडिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि ये चैनल प्रॉपर वे में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बना के रख सके, ठीक है। तो उसको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, बाकी का सारी एजुकेशन से रिलेटेड चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।